गिनती छठा बाब। फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि जब कोई मर्द या औरत नजीर की मन्नत यानी अपने आप को खुदावंद के लिए अलग रखने की खास मन्नत माने तो वो मैं और शराब से परहेज करे और मैं का या शराब का सिरका ना पिए और ना अंगूर का रस पिए और ना ताजा या खुश्क अंगूर खाए और अपनी नजरात के तमाम अय्याम में बीज से लेकर छिलके तक जो कुछ अंगूर के दरख्त में पैदा हो उसे ना खाए और उसकी नजारत की मन्नत के दिनों में उसके सिर पर उस्तरा ना फेरा जाए जब तक वो मुद्दत जिसके लिए वो खुदावंद का नजीर बना है पूरी ना हो, तब तक वो मुकद्दस रहे और अपने सिर के बालों की लटों को भरने दे। वो तमाम अय्याम में जब वो खुदावंद का नजीर हो वो किसी लाश के नजदीक ना जाए। वो अपने बाप या माँ या भाई या बहन की खातर भी जब वो मरे अपने आप को नजस ना करे, क्योंकि उसकी नजारत जो खुदा के लिए है उसके सिर पर है। वो अपनी नजारत की पूरी मुद्दत तक खुदावंद के लिए मुकद्दस है। और अगर कोई आदमी नागहान उसके पास ही मर जाए और उसकी नजारत के सिर को नापाक कर दे तो वो अपने पाक होने के दिन अपना सिर मुंडवाए यानी सातवें दिन सिर मुंडवाए और आठवें रोज दो कुमरियां या कबूतर के दो बच्चे खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर काहिन के पास लाए और काहिन एक को खता की कुर्बानी के लिए और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने और इसके लिए कफारा दे क्योंकि वो मुर्दा के सबब से गुनहगार ठहरा है और उसके सिर को उसी दिन मुकद्दस करे। फिर वो अपनी नजारत की मुद्दत को खुदावन के लिए मुकद्दस करे और एक यकसाला नर बर्रा जुर्म की कुर्बानी के लिए लाए, लेकिन जो दिन गुजर गए हैं वो गिने नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी नजारत नापाक हो गई थी। और नजीर के लिए शरा ये है कि जब उसकी नजारत के दिन पूरे हो जाएं, तो वो खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर हाजर किया जाए और वो खुदावंद के हजूर अपना चढ़ावा चढ़ाए यानी सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बेऐब यकसाला नर बर्रा और खता की कुर्बानी के लिए एक बेऐब यकसाला मादा बर्रा और सलामती की कुर्बानी के लिए एक बेऐब मेंढा और बेखमीरी रोटियों की एक टोकरी और तेल मिले हुए मैदा के कुलचे और तेल चुपड़ी हुई बेखमीरी रोटियां और उनकी नजर की कुर्बानी और उनके तपावन लाए और काहिन उनको खुदावंद के हजूर लाकर उसकी तरफ से खता की कुर्बानी और सोख्तनी कुर्बानी गुजराने और उस मेंढे को बेखमीरी रोटियों की टोकरी के साथ खुदावंद के हजूर सलामती की कुर्बानी के तौर पर गुजराने और काहिन उसकी नजर की कुर्बानी और उसका तपावन भी चढ़ाए। फिर वो नजीर खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर अपनी नजारत के बाल मुंडवाए और नजारत के बालों को उसी आग में डाल दे जो सलामती की कुर्बानी के नीचे होगी। और जब नजीर अपनी नजारत के बाल मुंडवा चुके तो काहिन उस मेंढे का उबाला हुआ शाना और एक बेखमीरी रोटी टोकरी में से और एक बेखमीरी कुलचा लेकर उस नजीर के हाथों पर
उनको धरे, फिर काहिन उनको हलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हिलाए। हिलाने की कुर्बानी के सीना और उठाने की कुर्बानी के शाना के साथ ये भी काहिन के लिए मुकद्दस हैं। इसके बाद नजीर मैं पी सकेगा। नजीर जो मन्नत माने और जो चढ़ावा अपनी नजारत के लिए खुदावन के हजूर लाए, इलावा उसके जिसका उसे मकदूर हो, उन सबों के बारे में शरा ये है, जैसी मन्नत उसने मानी हो वैसा ही उसको नजारत की शरा के मुताबिक अमल करना पड़ेगा। और खुदावन ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों से कह कि तुम बनी इसराइल को इस तरह दुआ दिया करना, तुम उनसे कहना खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे, खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे, खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे, इस तरह वो मेरे नाम को बनी इसराइल पर रखें और मैं उनको बरकत बख्शूंगा।